www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अभी नमाज में हजरत तारी साहब ने सूरतुल आला पढ़ी। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, पढ़ते पढ़ते सूरत की इंतहा पर एक आयत करीमा आई, कद अफलह मन तज़क्का। तहकीक के कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। दो चीजें हैं, एक है तज़किया, दूसरा है तज़किया। दोनों मिलते जुलते लफ्ज हैं। तज़किया के माना सफाई और तज़किया के माना भी सफाई। ज़क्का युज़क्की तज़कियतन के माने पाक करना, साफ करना। ज़कात को ज़कात इसीलिए कहते हैं कि जब आदमी अपने माल में से जो निशाब की मिक़दार हो एक मखसूस हिस्सा निकाल कर गुरबा को दे देता है तो इसका बाकी माल जो है वो पाक हो जाता है, साफ हो जाता है। और अगर वो माल मिला रहा इसके माल के अंदर तो जो दूसरा माल है उसको भी बिगाड़ देगा, उसको भी खराब कर देगा। और यही वजह है कि आले रसूल को ज़कात नहीं दे सकते, यानी जो सादात हैं उनको सदकात वाजिबा नहीं दे सकते। क्योंकि ये माल जो है वो मैल कुचैल है हमारे माल का,
और सरदार से जो निस्बत रखने वाला खानदान है वो शाही और आलीशान खानदान है। तो आलीशान खानदान को ऐसी गंदी चीज नहीं देंगे। औसाफ के माना कचरा। तो औलाद रसूल और अफराद रसूल को कचरा दिया जाएगा कि उनको उमदा चीज दी जाएगी। इसलिए मशायत ने ज़कात आले रसूल को सदका देने से मना कर लिल्लाह माल से उनकी मदद की जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में चल रहे थे और हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला वो छोटे थे, वो भी साथ चल रहे थे। रास्ते से एक खजूर उठाई बच्चे ने और मुंह में रखी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहजा फरमाया, देखा और फौरी तौर पर वो खजूर जो मुंह में थी उसको निकल गई। और ये खतरा जाहिर फरमाया कि ये गिरी हुई खजूर हो सकता है कि सदके की हो और सदका आले रसूल के लिए जायज नहीं है। खाली मुफ्ती मेहदी हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़कात जो है वो सादात को देने का जवाब नकल किया है और यूं फरमा के अल्लाह के यहां मैं इसका जवाब दे दूंगा। इस बिना पर के मौजूदा दौर में लोग लीलाह माल निकालते नहीं है। मदरसे भी जो चलाए जाते हैं वो हीले हवालों से चलाए जाते हैं, करोड़ों की ज़कातों का हीला किया जाता है। हालांकि अगर चलाना चाहे उम्मत तो लिल्लाह माल के जरिए से भी मदद से कर सकते हैं और उम्मत दे सकती है, उम्मत में ताकत है। जो उम्मत गुर्बत से परेशान नहीं होगी, जो उम्मत माल से हैरान होगी, इस उम्मत का कितना माल है, गुर्बत नहीं है। हुजूर ने फरमाया कितना तो उम्मती अलमाल, लड़ाइयां फकरों फाका पे भी होती माल पे होती है, खयानत फकरों फाका में भी होती माल में होती है। तो माल की इतनी कसरत रहती थी लोगों के पास कि थैले भरकर निकलेंगे गरीबों को देने के लिए और बांटने के लिए निकलेंगे और उसके घर जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि ये थैला आप रख लो। वो कहेगा कि मेरे पास पांच थैले पहले से जमा है, तुम ये रख लो। इतना माल हो जाएगा। ये पेशिंगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कोई माल लेने वाला और ज़कात का लेने वाला नहीं मिलेगा। बहरहाल ज़कात क्या है? यह अपने माल की सफाई का जरिया है। जैसे हिजाना, लोग समझते भी नहीं हिजामा का माना क्या है, बस चले हिजामा पर रख। हिजामा असल में अरबी में ऊन फासिस को निकालने का नाम है और अरब
वक्त में ये निकाला जाता था, क्योंकि वो गर्मी का आलाखा है और खून गर्म हो जाते हैं और ज्यादा बनते हैं गर्मी के अंदर। तो पचना लगाकर ये खून फासिक निकाला जाता है, तो बाकी खून अच्छा हो जाता है। ज़कात भी ऐसी चीज है, माल का पचना है ये, इसके जरिए से बाकी माल जो है वो बच जाता है, पायदार हो जाता है। और अल्लाह ताला फरिश्ते को मुअय्यन कर देते हैं कि मेरे इस बंदे के माल की हिफाजत करना, क्योंकि इसने इसकी ज़कात नहीं कर दी है। तो ज़कात निकालने से माल पाक भी हो जाता है, पसंदीदा भी हो जाता है और महफूज भी रहता है। इसलिए एक एक पाई की ज़कात गिन गिन कर निकाली जाए, और माल में ज़कात ज्यादा निकालना अच्छा है पर इज्जत कम निकालने के। अब ज़बीहा, ज़बीहे को भी ज़बीहा इसलिए कहते हैं कि जब उसे ज़बह करते हैं तो उसकी तीन या चार रगें जो कटती हैं, जो पूरे जिस्म में दौड़ रही होती हैं, वो खून को बाहर ले आती हैं, जिसकी वजह से बाकी गोश्त साफ और पाक हो जाता है। और मुसलमानों के ज़बह के तरीके से बेहतर किसी के ज़बह का तरीका नहीं है। ये अंग्रेजों की राय है कि जिस तरह से मुसलमान ज़बह करते हैं, इससे बेहतर जानवर को साफ करना और इसके अंदर का बहता नापाक खून निकालने का और कोई अच्छा और मुनासिब रास्ता नहीं है। अब जो गोश्त बच जाता है ज़बह करने के बाद, उसको कहते हैं लहम मुज़क्का, यानी पाकी का गोश्त, यानी जिसका खून फासिक निकल गया। याद रखो कि बहने वाला खून जो है वो हराम है। तो ज़बह करते हैं और खून फासिक जो होता है उसको निकाल देते हैं, तो बाकी जो गोश्त है वो खून से अलग हो गया, इस वजह से मुज़क्का हो गया यानी पाक हो गया। ये दो मैंने आपके सामने मिसालें रखी तज़किया का माना समझने के लिए। हमारे नफ्स के अंदर भी बिगाड़ आ जाता है और खराबियां आ जाती है, और ये खराबियों को दूर करने की जो मेहनत की जाती है, वो मेहनत के नतीजे में नफ्स जो होता है वो पाक हो जाता है और उसका तज़किया हो जाता है। तो तज़किया नफ्स का होता है, तज़किया दिल का होता है। तज़किया नफ्स का होता है और तज़किया दिल का होता है, फर्क को समझो। देखिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, फला तुज़क्कू अन्फुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, अपने नफ्स की सफाइयां मत पेश करो कि मैं यूं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं यूं कर रहा हूं, मैं यूं कर रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं मैं सब जानता हूं कि तू क्या कर रहा है। तो अपनी सफाइयां मत हंसते फिरो इस बिना पर के लोगों के सामने सफाइयां दोगे, लेकिन तुम्हारा जो असल नफ्स है वो तो अल्लाह के सामने है। अल्लाह को सब पता चलता है कि किसका नफ्स पाक है और किसका नहीं है। अब उलमा ने एक बात लिखी कि नफ्स जो है ना वो शैतान का हस्बैंडर है,
इंसान जो है वो नफ्स के ऊपर सवारी करता है, शैतान सवार है और नफ्स उसकी सवारी है, वो जिधर मोड़ता है उधर ले जाता है। जहीर बात है कि सरकशी का मिजाज पैदा होगा, अगर शैतान के ताबे हो गया नफ्स तो सरकशी का मिजाज पैदा होगा, और ये मिजाज को खत्म करने के लिए इसकी सरकशी खत्म हो जाए किसी अल्लाह वाले से सुबूत करना पड़ेगा, तो उसे पता चलेगा कि ये बीमारी है और ये सरकशी है और इसको दूर करना है। यही हाल दिल का होता है, दिल के ऊपर तह जो है वो जमती रहती है, गुबार जमता रहता है किब्र का, बड़ाइयों का, दुनिया तलवी का, ख्वाहिशात का, ये तमाम जो जंग चढ़ते हैं इनको दूर करना, और दूर करने के बाद जो कैफियत दिल की होती है उसका नाम तस्बीह रखा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोटा सा खानदान हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की शक्ल में मक्का मुकर्रमा के अंदर अल्लाह के हुक्म पर लाकर रखा, और फिकर कितनी है अपने खानदान की, हर इंसान को अपने खानदान और अपने अहल अयाल के दीन की फिक्र करना चाहिए। ये बात अलग है कि वो नहीं मानते, लेकिन फिक्र न छोड़े, और वो काम नहीं करते वो नहीं मानते तो इनके न मानने की वजह से दीन का काम भी न छोड़े और दीन की दावत भी न छोड़े। कभी ऐसा होता है ना कि हमारी औलाद नहीं मानती, हम क्या काम करके करें, हमको अपना काम जारी रखना है, हमको दो काम करना है, औलाद को समझाते रहना है, वक्तन फवक्तन टोकते रहना है और उनकी पैमाइश करते रहना है, और न माने तो फिर भी कहते रहना है, और अपना काम छोड़ना नहीं और दावत देना बंद नहीं करना है। इसकी दलील हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान नहीं माना, यहां तक कि अल्लाह ने सैलाब में गर्क कर डाला, वहां पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने समझाना बंद नहीं किया, डूब रहा है और सैलाब आ रहा है वहां तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया, लेकिन अखीर में आपकी मेहनतें रायगान रही और उसे गर्क कर दिया गया, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके न मानने की वजह से अपनी दावत के काम को बंद नहीं किया, अपनी मेहनत को बंद नहीं किया, दीन का काम जारी रखा। लेकिन अगर औलाद नहीं मानती और फरमा बरदारी नहीं करती और दीन पर नहीं चलती और माँ बाप न गमगीन होते हैं और न फिक्र करते हैं और न कभी कहते हैं तो इनकी पकड़ो, लेकिन अगर माँ बाप वक्तन फवक्तन कहते हैं समझाते हैं और औलाद मानती नहीं है, बच्चे मानते नहीं है, तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अल्लाह ताला की यहाँ इनकी कुछ नहीं हो, न समझाए न कहे अपने सामने नाफरमानी कर रहे हो, खिलाफ शरा कुछ काम कर रहे हो और हम बैठकर देखें या कुछ न बोले तो हमारी पकड़ दे। अच्छा, ये पकड़ खाली माँ बाप की नहीं है, ये पकड़ आम है। जो
چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا من را منکم منکرن فلیغیره بیدی, تم میں سے جو شخص دیکھے کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہے اور اس کے پاس پاور اتنا ہے, بعض لوگ ذرا جو ہے پاور والے ہوتے ہیں, ان کی بات چلتی ہے اور لوگ ان سے دبتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ ہاتھ سے روک دیں, چیز ہاتھ سے روکنے والی ہو تو اس کو ہاتھ سے روکا جائے گا. جیسے ہمارا بچہ جو ہے وہ پیپوڑی بجا رہا ہے تو باپ لے گا پیپوڑی اور ٹکڑے کر کے پھینک دے گا, کیونکہ باپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ اپنی اولاد کو روکے. اور ہاتھ سے روکنے کی چیز ہے, پہلے مانا نہیں, اس کو سمجھایا, توڑ کے پھینک دو. میرے اسکول کے زمانے میں امتحان کا دور آیا تو امتحان کے وقت سب بچے جو ہیں تبے تابعین صاحب کے مزار کے اوپر دھاگا ملتا تھا وہ باندھنے جاتے, تو مجھے کہا تو بھی چل. اس وقت تو چھوٹے تھے, کوئی اس قسم کے تعلیم بھی نہیں تھا کہ بھائی یہ ایسا دھاگا نہیں باندھ سکتے ہیں. بچوں نے کہا کہ دھاگا باندھنے کے تو انہیں پاس ہو جائیں. میں نے کہا یہ اچھا ہے, کچھ محنت مت کرو, دھاگے باندھو, پاس ہو جاؤ, یہ تو کتنا اچھا طریقہ ہے. میں نے کہا چلو ہم بھی اپنانے, ہم بھی دھاگا باندھ دیتے ہیں اور کتابیں رکھ دیتے ہیں اور کل پاس ہو جاتے ہیں. اتنی سرپٹول کرنا, رات کو دیدے مارنا اور جاگنا, اس سے تو دھاگا باندھنا کوئی مشکل کام نہیں. میں گیا, مجاور نے سب کو لائن میں کھڑا کیا اور سب کے گلے کے اندر ہرے ہرے دھاگے باندھ دیے. مجھے بھی بلایا کہ یہ مولانا کا شکر ہے, اس کو بھی دھاگا باندھوں گا, مجھے بھی ایک دھاگا باندھ. اب میں تو دھاگا باندھ کر بہت خوشی خوشی گھر آ رہا تھا. میرے والد صاحب عصر کی نماز پڑھ کر جو ہے گھر آ رہے تھے اور وہ دھاگا جو ہے گلے میں میرے لٹک رہا تھا. میں نے سلام کیا تو جواب دینے کے بعد کہا کہ یہ گلے میں کیا لٹکا ہے. میں نے کہا بھائی پاس ہونے کا دھاگا تبیتا نہیں صاحب کا لٹکایا ہے, دو ٹکڑے کر کے اس کو زمین کے اوپر ڈال دیا کہ دھاگوں سے جو ہے آدمی کی تقدیر نہیں بدلتی اور کامیاب نہیں ہوتا, محنت کرنے سے کامیاب ہوتا ہے. اور دعا کرو, اللہ نے دعا کا راستہ رکھا ہے اور آج کے بعد خبردار ایسا کوئی دھاگا باندھ کر گھر پہ آئے. تو حدیث میں فرمایا کہ من را منکم منکرن فلیغیره بیدی, تم میں سے کوئی اگر دیکھے کوئی ایسا ناجائز کام جس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو اسے ہاتھ سے روک. ایک مثال تھی, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک خراب کام دیکھتا تو ہے لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو اپنی طاقت سے روک سکے, اقتدار نہیں ہے, پاور نہیں ہے کہ اس کو روک سکے, تو زبان سے کہہ تو سکتا ہے نا. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر نہیں روک سکتا ہاتھ سے تو پھر زبان سے روکنے کی طاقت ہو تو زبان سے روکے کہ بھائی یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ خلاف شرع ہے. جیسے بھائی شادی ہو رہی ہے اور ویڈیوگرافی لوگ کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام خلاف شرع رہے گا, اس کو بند کیا جائے. نہیں مانتے تو پھر آپ کھانا نہ کھائیں, وہاں سے چلے آئیں. ناچ ہو رہا ہے,
आप पहुंच गए और डांस सो रहा है वहां, तो आप कहिए कि ये फिलहाल में शराब है और अगर ये चलता है तो मैं भी चलता हूं, चल दो वहां। अगलों कहता है कि नहीं, अपने मेजबान ने दावत की है, इसको खराब लग जाएगा, तो इसको खराब लगने की फिक्र है तो उधर अल्लाह नाराज हो जाएगा, उसकी फिक्र नहीं करता। नबी को खराब लग जाएगा, उसकी फिक्र नहीं करता। तो जबान से कहना दूसरे नंबर का काम है, ये पहले के मुकाबले में आसान है, लेकिन कहना जो है अच्छे अंदाज का भी हो सकता है और गलत अंदाज का भी हो सकता है। तो ढंग के साथ बात आदमी शरीयत की जो मसले की रूह से है उसके सामने रख दे, वो नहीं मानता तो हम वहां से चल गए। तीसरा दर्जा ये है कि ऐसा मरहला आ गया कि न जबान से कह सकता है ना हाथ से रोक सकता है। तो फरमाते हैं बहुत सी चीजें आदमी देखता है दुनिया के अंदर, लेकिन जबान से बोल भी नहीं सकता, हाथ से रोकने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, तो क्या करे? फरमाया दिल से उस बुरे काम को बुरा समझे। बुरे कामों की तर्जमानी का दौर है ये, ये दौर ऐसा है कि काम बुरे करता है आदमी तो तर्जमानी के ऊपर से वो बुराई नहीं करता है। ये खिलाफ एक तरह काम की तर्जमानी करना और उसकी तरफदारी करना ये बड़ा गुनाह है। तो तरफदारी तो मत करो, दिल में जो है उस गुनाह और शनि अमल की नफरत रखे आएगी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे से खानदान को यहां लाकर अल्लाह के हुक्म के ऊपर फिट कर दिया। उसके बाद दुआ की, दुआ से काम बनते हैं, आमोदारी से काम बनते हैं, अल्लाह की मदद आती है दुआओं के साथ। शर्त यह है कि दुआ की कबूलियत की जितनी शर्तें हैं वो तमाम शर्तें पूरी की जा रही हैं और फिर अल्लाह की मदद आती है। बद्र में अल्लाह की मदद आई, बद्र में अल्लाह की मदद आई, इसलिए कि मुसलमानों ने तीन काम किए तो अल्लाह ने मदद फरमाई। वो तीन काम क्या है? नंबर एक, सब्र करना। सामने दुश्मन ज्यादा है, हम कम हैं और मुकाबला दुश्वार है, तो अल्लाह जो फैसला फरमा रहे हैं उन्होंने लाके हमको खड़ा किया है, तो हमको अल्लाह के फैसले के ऊपर राजी हो जाना और अल्लाह के हुक्म को मान लेना। जैसे सहाबे किराम ने देखा कि सामने तीन गुना लोग ज्यादा हैं, लेकिन सबर से काम लिया और हुजूर ने कहा अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें जमना है तो जम गए। तो पहला काम ये है अल्लाह की मदद को लाने का कि आदमी सब्र करे। और सब्र के माना समझ गए आप? सब्र के माना खाली बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि सब्र के माना ये है कि अल्लाह के अहकाम को पूरा करते हुए सब्र करना। अल्लाह का हुक्म भी पूरा हो रहा हो और बात भी मानी जा रही हो और अल्लाह की मर्जी से चलती रहे हो, इसको कहते हैं सब्र। नंबर दो, दूसरी अल्लाह के मदद के आने का तरीका यह है कि तब तक अल्लाह का डर तुम्हारे दिल के अंदर हो। और अल्लाह के डर का मतलब यह है कि अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हो और अल्लाह ताला ने जिन चीजों से रोका है उससे बच रहे हो। तो गुनाहों से बचना और अहकाम पर अमल दरामद करना, यानी मामूलात को अंजाम देना और गुनाहों से अपने आप को बचाना, इसका नाम तक्वा है।
ये जितना बढ़ता जाएगा उतनी अल्लाह की मदद के आने के फैसले होते जाएंगे और दरवाजे जो है वो खुलते जाएंगे। तो दो चीजें मदद के लिए जरूरी करार दी, एक तो सब्र करे और दूसरा तकवा इख्तियार करे। और तकवा कब आएगा? जब अल्लाह की अजमतों का इंतजार होगा कि अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह सब जानते हैं। तो आदमी आंख की लाइन के, जबान की लाइन के, कान की लाइन के, शर्मगाह की लाइन के जितने गुनाह हैं उन तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाएगा। ये आंख का गुनाह करूंगा तो अल्लाह नाराज होंगे, कान वाला करूंगा तो अल्लाह नाराज होंगे, जबान गलत चलेगी तो अल्लाह नाराज होंगे। तो नाराजगी वाले जितने काम हैं उनसे बचता जाएगा। तकवा का काम यह है कि तकवा के जरिए से आदमी नेक काम पे दौड़ता है और गुनाह से बचता है। अब ये जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना अल्लाह ताला इसको तकवे के अंदर दर्जा और आली मर्तबा और विलायत का ऊंचा मकाम जो है वो अता फरमाएंगे। अब तीसरी चीज जो अल्लाह की मदद को लाती है कि आदमी सब्र करे, आदमी तकवा इख्तियार करे, और तीसरे नंबर पर अल्लाह के दरबार में आमदोजारी करे, अल्लाह के दरबार में रोए। इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम, कुरान करीम में फरमाया जब तुम रोए, गिड़गिड़ाए अल्लाह के हुजूर में, बिलबिलाए और अल्लाह से मांगा तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद फरमाई। तो तीन चीजों पर अल्लाह की मदद आई। ये तीन काम उम्मत जब जब करेगी, जब जब अल्लाह की मदद आएगी, जब इनके अंदर सब्र आ जाएगा, जब इनके अंदर तकवा आ जाएगा, जब इनके अंदर अल्लाह से मांगने का, रोने का जज्बा आ जाएगा, ये गिड़गिड़ाने वाले बन जाएंगे, या मुजाही करने वाले बन जाएंगे, ये हर वक्त अल्लाह के सामने टुकड़ा रोने वाले बन जाएंगे, अल्लाह की मदद आती है। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दो खाली अफराद को जमाया है मक्का मुकर्रमा में, लेकिन दुआ जो की वो आलमगीर थी। दुआ दो आदमियों के लिए नहीं की है, दुआ नजर में दो आदमी है और दुआ में पूरे आलम को लेके चले हैं। क्या कहा? رَبَّنَا وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ابھی عجیب دعا अल्लाह के आज दो अफराद हैं, माँ और बेटा दो ही हैं। मैं तो सोचता ही रहता हूं बीवी को उसके मायके में छोड़ने जाते हैं शौहर खाली सैटरडे और संडे, उसमें तो उसके चार पांच थैले होते हैं, दो दिन में उसको इतना चाहिए और वो भी कितनी कहा सुनी कि कब आओगे, फोन कब करोगे, लेने कब आओगे, छोड़ने कब आओगे, सुबह कब आओगे, नाश्ता यहाँ करना है, वहां दोपहर को काम बेचे, शाम को काम बेचे, कितनी ताकत है, रिपोर्ट देते देते थक जाते हैं। और यहाँ आलम यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे मैदान के अंदर छोड़े, ऐसे मैदान में अगर हमारी बीवियों को हम छोड़े तो काट के खा जाए क्या? जहां आती वो जो हमारे हमारे यहां से लगन कर लो, उधर ये चीज दिखाने के लिए, जंगल की सैर कराने के लिए मुझे मैं
सारी दुकान पे जहाँ उसको खरीदी करनी है वहाँ छोड़ के शोहर जाता है, पैसे दे के जाता है, तो ये कहता है जल्दी आई हो लाइन में या खड़े रही हो, और यहाँ आने का कोई भरोसा नहीं कि कब आएंगे, कोई वादा भी नहीं है कि आऊंगा, ये भी नहीं कहा कि मैं आऊंगा तू मत घबरा, ये भी नहीं कहा, बल्कि क्यों पूछा हजरत हाजिरा ने कि ये किसके भरोसे पे छोड़ के चले, तो खाली उंगली के इशारे से कहा हाँ मुझे के ममाती भसो तो कहा कि कौन ऊपर मैंने छोड़ना चाहिए था, मैं बोलते भी नहीं है मुंह में से खाली इशारा करते हैं, तो भी कितना अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा है, इतना भरोसा हो जाए अल्लाह की जात पर अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह ताला की तरफ से गैर से नुसरत के फैसले हो जाए, लेकिन यकीन इतना भारी भरकम और इतना जबरदस्त होना चाहिए कि न ये मैदान मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, न यहाँ का अंधेरा मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, न यहाँ का बेआब बिना होना मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, न यहाँ का पानी न होना मुझे मार डाल सकता है, न यहाँ फल का न होना मेरे लिए मसला बन सकता है, न आपका चला जाना मेरे लिए कोई मसला है, कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि अल्लाह की बुनियाद पर छोड़ के जा रहे तो अल्लाह की मदद आई, इतना भारी यकीन और इतना पुख्ता यकीन हो जाए तो फिर क्या होता है जमीनों में चाक होते हैं और अल्लाह ताला अपने फजल से जो है वो पानी निकालते हैं और जरूरतों को गैर से पूरा करते हैं और मजमा अल्लाह ये क्या करते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का पर लगा और जमीन फटी और चश्मा बह पड़ा, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये खानदान को छोड़कर यूं बेफिक्र हो गए कि इनके खाने का पीने का निजाम की मुझे फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो इनके दीन की है। सबसे बड़ी फिक्र क्या होनी चाहिए, फरमाते सबसे बड़ी फिक्र होनी चाहिए तो अपनी औलाद और अपने अंफाज के दीन की फिक्र होनी चाहिए। अब दीन की फिक्र में दुआ जो की वो बड़ी जाने की, फरमाया ए इलाहल आलमीन ये खानदान अब बड़ा होने वाला है, अब ये बड़ा खानदान होगा तो इनको जरूरत पड़ेगी इस्लाम की, इनको जरूरत पड़ेगी हिदायत की, इनको जरूरत पड़ेगी इबादत की, इनको जरूरत पड़ेगी दुआ की, इनको जरूरत पड़ेगी नमाज की, और ये तमाम जब तक कोई समझाने वाला नबी ना हो वहां तक बात समझ में नहीं आती। فرمایا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، اللہ جب یہ خاندان بڑا ہو جائے گا، ابھی دو ہیں پھر 200 ہو جائیں گے پھر 2000 ہو جائیں گے پھر بچے آ جائیں گے پھر اولاد و احفاد آ جائے گی پھر ان کی دین کا کیا ہوگا، پھر ان کو دین کون سکھائے گا، تو اللہ ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے بھیجنا، अजनबी के साथ आदमी को जल्दी मुनासबत नहीं होती, इसलिए इनमें से भेजना, तो वो क्या करेगा उसको चार काम करने हैं, उनको किताब देकर भेजना, आकाम देकर भेजना, वो किताब पढ़ेगा और किताब पढ़ाएगा, नबी का काम किताब पढ़ना भी है किताब पढ़ाना भी है, किताब समझना भी है समझाना भी है, किताब की दावत चलाना भी है। यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताब वल हिक्मा, और उनको वो किताब जो देते हैं आप वो पढ़ाएगा और वो पढ़ाए और अहकाम सिखाए, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, रोजा कैसे रखा जाता है, ज़कात कैसे दी जाती है। चाहे हमारे साथी गए दावत के काम के अंदर, एक जगह बड़ा इस्तेफाल लोगों ने किया,
और जैसे ही रमजान के अंदर जाकर उन्होंने पड़ाव डाला मस्जिद में, पूरे काम वाले आ गए, भाई आप हमारे मेहमान, आप हमारे मेहमान, आपकी दावत, आइए सामान रख दीजिए। और बिल्कुल खाने के लिए रमजान का महीना है, जैसे बिल्कुल चलिए खाना आपके लिए तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये रमजान का महीना है, उन्होंने कहा उनको भी ले आइए, उनको भी खाना खिलाया जाएगा। अब ये बेचारे ये भी नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था, बस उन्होंने समझा बस खिदमत कर लेंगे काम हो जाए। मालूम हुआ कि भाई आप काम का सीखना बहुत जरूरी है। भाई नमाज में कयाम पहले है, रुकू बाद में है, सजदा उसके बाद आता है। अब कोई सजदा पहले कर ले, रुकू बाद में कर ले, बाद में कयाम करे, बाद में कहीं ताजा करे, कितनी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए नबी ने नमाज सिखाई। अहकाम नबी सिखाने के लिए आते हैं, वो अहकाम को राइज करते हैं। और अखीर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगा और उनका तस्मिया करें, उनके नफ्स के बिगाड़ दूर करें। ये बहुत जरूरी है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे खलील तस्किया जरूरी है और नफ्स के तस्किये की जरूरत है, क्योंकि नफ्स का बिगाड़ होगा तो आमाल में जमाव नहीं आएगा और उसमें बुराइयत नहीं आएगी और काम में लुत्फ नहीं रहेगा। इस बिना पर दिल के अंदर के और नफ्स के अंदर के कीचड़ को साफ करना और बुरी चीजों को खत्म करना जरूरी है। लेकिन आपने इसको नंबर दिया है चौथा और अल्लाह फरमाते हैं इसका नंबर है दूसरा। इसलिए दूसरी जगह अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतर का जो मिशन है उसमें चार चीजें बयान फरमाई, यस्लू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम, कि आप आयात कुरान की तिलावत करेंगे और उसके बाद नफ्स के जो बिगाड़ है, हसद है, कीना है, कपट है, इसको दूर करेंगे। ये नबी की सोहबत में बैठने से दूर होता है। सहाबा का तज़किया ऐसा हुआ कि दिल बिल्कुल साफ सुथरे हो गए, नफ्स बिल्कुल मुज़क्का और पाक हो गए और जितने के बिगाड़ थे वो तमाम के तमाम दूर हो गए। इसके दो रास्ते इख्तियार फरमाए, एक फरमाया तिलावत की कसरत हो जाएगी तो इसके जरिए से भी तज़किया होता है, दूसरा ज़िक्रुल्लाह की कसरत हो जाएगी, अल्लाह इसके जरिए से भी नफ्स के बिगाड़ों को दूर कर दे। तो तज़किया क्या है? अंदर जो बिगाड़ है ये दिल के और नफ्स के बिगाड़ के दूर हो जाने का नाम तज़किया और तज़किया है। और आदमी कितनी तौर पर ये काम करता है देखो, हमारे घर में बर्तन अगर मैले होते हैं साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? गाड़ी बाहर खड़ी है गुब्बार आता है कि नहीं आता है? साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे जिस्म के अंदर मैल कुचल आता है, हम नहाकर साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? कपड़ा मैला होता है, पछाड़ पछाड़ कर इसका मैल छुड़ाते हैं और इसको साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे कपड़े का मैल दूर करना जरूरी है, जैसे गाड़ी का मैल दूर करना जरूरी है, जैसे जिस्म का मैल दूर करना जरूरी है, इसी तरह नफ्स का जो मैल है उसको दूर करना ये भी जरूरी है। बस अहलुल्लाह के पास बैठने का मकसद क्या है कि ये जो बिगाड़ हमको नजर नहीं आता और जो मैल कुचैल हमको नजर नहीं आता वो उनको नजर आता है, और वो नजर आने वाले मैल कुचैल को दूर करने का न नजर आने वाला तरीका हमको बताते हैं। एक छोटी सी मिसाल तो समझ में यूं नहीं आती लेकिन यूं आ जाते हैं। किसी ने आकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मेरा दिल बिल्कुल सख्त हो गया है,
हार्ड हो गया, सॉफ्ट नहीं है मेरा हार्ट, दिल मेरा पत्थरों की तरह सख्त हो गया, न रोना आए मुझे, न किसी की बात का असर आए मुझे, ऐसी शक्ति मेरे दिल के अंदर आ गई। अब हुजूर ने इलाज बताया, फरमाया कि जो यकीन है ना यकीन, उसके तर पे रोजाना हाथ फेरा कर तो तेरा दिल गर्म हो जाएगा। अब इलाज अजीब बताया, इलाज अजीब ही होता है। अब अगर बावर्ची को आप बुलाएं कि मुझे कल 10 मन बिरयानी चाहिए, तो वो यूं कहेगा कि 50 मन लकड़े लिखो। अब आपको कहना पड़ेगा कि मुझे लकड़े नहीं खिलाना है, मुझे बिरयानी खिलाना है, और तू लकड़े लिखवा रहा है। वो कहेगा भाई बिरयानी के लिए लकड़े जरूरी है, फिर बिना पर के लकड़ों के ऊपर बिरयानी पकने वाली। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं कहा जा रहा है दिल सख्त है, और हुजूर फरमाते यतीम के सर पे हाथ फेरो तो उसके चेहरे को देखेंगे, उसकी यतीमी को देखेंगे, उसके हाल को देखेंगे, तरस आ जाएगा, धीरे धीरे तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। इलाज ऐसा बताते हैं कि बजाहिर समझ में नहीं आता, घर वाले आए और कहा हुजूर बजट कम पड़ रहा है, खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं और आप थोड़ा खर्चा दे रहे हैं, और कुछ तो बहुत माल आ रहा है, थोड़ा हमारा बजट बढ़ा दीजिए, तो हुजूर खामोश हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तरीका बताया, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْكَ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ इलाज क्या बताया, मांगा था पैसा और यूं कहा था कि हमारा राशन बड़ा दीजिए, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया तुम नमाज पढ़ा दो। समझ में आती बात, तो अकल जो है ना तस्लीम नहीं करती, वो बातें बताते हैं, इसलिए अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने भेजा है कि तुम्हारी अकल जहां ठप हो जाएगी वहां नबी उंगली पकड़ेगा और तुमको ऐसी रास्ते से लेके चलेगा कि तुम्हें वो रास्ते का पता ही नहीं है। नबी को रास्ता बताया है, नबी को वो इलाज बताया है, वो इलाज के जरिए से तुम्हारा काम बनेगा। तो उन्होंने मांगा था राशन की इजाजत, यहाँ बताई गई नमाज की इजाजत, फरमा नमाज पढ़ाते जाओ तो रोजी बढ़ाएंगे हम, तो रोजी का पढ़ना बताया नमाज के अंदर। इससे पता चला कि नमाज की पाबंदी पे अल्लाह रोजी देते हैं, अपनी बात पे लोगों ने नतीजे निकाले। तो ये रूहानी इलाज है, और सबसे बड़े रूहानी तबीब कौन है, सैयदुल अतीफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके यहाँ अलग अलग मरीज आते हैं और सरकार हरेक का इलाज अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। इसका नाम तस्किया है, और इसका नाम तस्किया है अब अहलुल्लाह ने अपने अपने जमाने में हमारे इस्लाम के लिए जो मौजूद तरीका था वो शुरू फरमाया। कहीं मुराकबात बताए, कहीं जिक्र की तादाद बताई, किसी को गुस्सा बहुत आता है तो यूं फरमाया औजो पढ़ो। एक दो छोटी बात और दलील के तौर पर पेश करके बात खत्म करता हूँ, लंबी बात नहीं करता मैं, लेकिन कभी बात मुदल्लल करनी होती है तो एक तो बात बढ़ जाती। एक आदमी का दूसरे के साथ झगड़ा हो रहा था। अब झगड़ा तो इतना बैनुल अक्वामी है कि आपको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, सामने जाता है। तो झगड़ा जो है वो रहा था दो आदमियों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी का झगड़े के अंदर हाल बहुत खराब हो रहा था, आंखें फट रही थी और मुंह में झाग आ रहा था और चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था, हालात गंभीर हो गए, बहुत शदीद हालत गुस्से में उसका हो रहा था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इस आदमी का इलाज जानता,
इतना इसका प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, इसका मेरे पास बहुत अच्छा इलाज है। हुजूर क्या इलाज है मैं बता दूं इसको? फरमा खाली जाकर इसको यूं कहो कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, शैतान इसको ठंड गर्म कर रहा है, पढ़ेंगे तो ठंडा हो जाएंगे, पास जाएगा शैतान। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया, जो गुस्सा जो है वो बिल्कुल ठंडा। अब जब कही गई ये बात उसको, जाकर कहा कि सरकार फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो उसने कहा कि मैं क्या पागल हूं? तो पागल नहीं है तो और क्या है? इतना हाथ खराब हो गया तो पागल ही तो हो गया है। इसका इलाज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के जरिए से इसका इलाज किया जाएगा। तो गुस्से का इलाज क्या बताया? तो गुस्से का इलाज ये बताया कि गुस्से में आदमी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का वर्द शुरू कर दे, नतीजतन गुस्सा कम हो जाएगा। दूसरा इलाज बताया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खड़ा हुआ है गुस्से में और गुस्सा आता ही जा रहा है, पर मैं बैठ गया क्योंकि खड़ा है तो आसमान से करीब है, इसलिए दिमाग आसमान पर जितना जाएगा उतना गुस्सा ज्यादा आएगा, इसको जमीन के ऊपर चिपटा दिया पर मैं नीचे बैठ गया। जमीन को देख गुस्सा आता है जरा भी, कैसी आराम से है, तो जमीन का असर आएगा तेरे ऊपर, गुस्सा कम हो जाएगा जमीन पे बैठने को का। लेकिन इतना फुर्सत ही उसका है कि जमीन पे बैठने के बावजूद कम नहीं होता, पर मैं लेट जा जमीन के ऊपर बिल्कुल चिपट जा तेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा। अब ये इलाज किसी को समझ में आता है? ये रूहानी इलाज है जो नबियों ने बताया है, ये दूसरों के समझने की चीज नहीं है, ये अंबिया किराम की तालीमात है। इसका नाम तज़किया है। जब सर बीमारी क्या होती है इलाज कोई अजीब सच बता देते हैं। अब हमको फायदा क्यों नहीं होता सुन्नतों से? हम सुन्नतों पे अमल नहीं करते, उसको खिलाफ उल्टा करते हैं। सोया हुआ था और गुस्सा आया, डंडा लेकर खड़ा हो रहा था। जबकि इसको यूं कहा था कि खड़ा हो तो तुझे लेट जाना है कि तेरा गुस्सा खत्म हो जाए, तो सोया हुआ था गुस्सा आया तो सीधा खड़ा हो रहा है डंडे लेकर, तो गुस्सा खत्म होने की वजह और बढ़ जाता। फिर तरीका बताया कि जब दो आदमियों में झगड़ा हो जाए तो 3 दिन के अंदर सुलह कर लो, 3 दिन के अंदर जो है कॉम्प्रोमाइज करो। अभी लड़ा, अभी पारंपरिक की पिछले दरवाजे से गया, मुझे माफ करना, वो दो तमाचे और लगाता है जानी माफ करो। क्यों? आपने खिलाफ सुन्नत काम किया। 3 दिन छोड़ दो उसको। 3 दिन के अंदर आदमी सोचता है, गौर करता है कि मैंने अच्छा काम नहीं किया, लड़ाई कर दिया, नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है, और उसके बाद जाकर आपने माफी मांगी, माफी तलाशी की, इंशाल्लाह माफ कर दे। दिमाग जो है कूल हो जाता है। अभी गर्म दिमाग के अंदर तो माफ कराने जाओगे तो और ज्यादा बात बिगड़ जाएगी, इसलिए 3 दिन का बीच में फासला डाल दिया और कहा अब जाकर उससे माफी तलाशी करोगे और शर्मिंदगी का इजहार करोगे, सामने वाला मान जाएगा। इलाज ही ऐसे बदल। अब यूं कर तुम्हारे दिलों के अंदर बिगाड़ ना आ जाए और तुम्हारे दिलों में सुधार पैदा हो, उसके लिए फरमाया सफों को सुधारो। जितनी सफों को दुरुस्त करोगे इतना अल्लाह तुम्हारे दिलों को दुरुस्त फरमा देंगे, और जितनी सफें टेढ़ी होंगी उतने तुम्हारे दिल टेढ़े होंगे। अब लोग मुझे मानना वो कैसे होगा? कर देते हैं तो बस पता चल जाए। टेढ़ा खड़ा हुआ फिर देख लेके दिल के अंदर टेढ़ापन और खराबी आई नहीं है। जितना सरकार के तरीके के खिलाफ करेगा उतनी परेशानियां उतने हालात। आज जो हालात हैं वो इसी वजह से हैं कि हमारे रूहानी तबीब ने हमें जो इलाज बताया है वो इलाज के मुताबिक हम लोग जिंदगी नहीं गुजारते। ये जो खानकाही निजाम है इसमें कुछ नहीं होता, वो इलाज बताए जाते हैं कि आप खोटे काम कर रही है तो इसका इलाज क्या होगा, दिल खोटे काम करना है तो उसका इलाज क्या होगा, वो इलाज तरह तरह के बताए जाते हैं।
बहरहाल मुराकबा और जिक्र ये दोनों का काम है अंदर के मैल कुचैल को दूर करना, अंदर जो है जो जंग लग गया है उसको सैकल करना, ये जिक्रुल्लाह का काम है, ये मुराकबों का काम है। अल्लाह ताला हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। अब से थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करेंगे, फिर दो मिनटों के लिए मुराकबा करेंगे, फिर दो معبود حقیقی کوئی نہیں نہ کوئی نہیں تیر سوا موجود حقیقی کوئی نہیں نہ کوئی نہیں اور تیر سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں وعلماء أمتي أجمعين
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سے تھوڑی دیر تک ان شاء اللہ مراقبہ کریں گے. بڑا سوا اللہ کے اعلان میں, اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, سر کو دل کی طرف جھکایا جائے, ذرا سا لگاتار ایک ہی تصور رکھا جائے, اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب سے چند منٹ تک ہی بڑا ہوا نہیں دلدار
और फोन बंद करेगा ये भी मुझे पता नहीं होगा। मेरे जिस्म पर मेरा इख्तियार खत्म हो जाएगा। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيده لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أعز نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك، يا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا فإنك مجيب الدعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، اے اللہ کرم کی بھیک دے دے، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اپنی رضا دائمی ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ آنکھوں کے، شرمگاہوں کے، کانوں کے، زبان کے، جسم کے گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرما. اے اللہ اخلاق عالیہ نصیب فرما. اے اللہ باحیا زندگی عطا فرما. بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ بے حیائیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. شام میں، فلسطین میں، جہاں جہاں مسلمان بہت زیادہ ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور اللہ بہت زیادہ مظلوم ہیں، اللہ اپنے فضل سے ظالموں کی سر کو بھی فرما دے. اللہ مظلوموں کی مدد فرما دے. اللہ معصوم بچے تڑپ رہے ہیں اور اللہ عورتیں بیوہ ہوتی جا رہی ہیں. اللہ جوان شوہروں کو گولیاں آئی جا رہی ہیں. العالمین تو کرم فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما. اللہ ہماری معصیت کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرما. اللہ ہماری آزمائش نہ فرما. اللہ بہت کمزور ہیں، بہت ضعیف ہیں. اللہ العالمین ہمارے ملک میں بھی جو حالات چل رہے ہیں اللہ اس کو شاندار بنا دے. اللہ سب کو غفلتوں سے بیدار فرما دے. اللہ ہم کو جگا دے. اللہ ہم کو دین پر ڈال دے. اللہ ہم کو دین کی فکر عطا فرما دے. اللہ دین کا ذوق شوق عطا فرما دے. نمازوں کا پابند بنا دے. تلاوت کا شہدائی بنا دے. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ان کے ایمان کی حفاظت فرما. ان کے دین کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کے دین کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین جو باطل سازشیں کر رہی ہیں پھیل فرما دے. اے اللہ باطل اسکیموں کو پھیل فرما دے. اللہ بہت سے بچے بچیاں اسکولوں کے دھیان دے رہے ہیں، اللہ ان کو بھی کامیابی عطا فرما.
مدرسوں میں امتحان دے رہے ہیں اللہ ان کو بھی کامیابی عطا فرما اے اللہ العالمین ہمیں ترقی اور عزت والی زندگی عطا فرما اے اللہ عزت والی زندگی سے حفاظت فرما اے اللہ ظالموں کا جو تسلط ہمارے اوپر ہو رہا ہے اللہ ہم کو اعمال صالحہ میں لگا دے اللہ ظالموں کے تسلط کو ختم فرما دے اللہ اس ظلم کو ختم فرما دے اے اللہ مددگاری کے فیصلے فرما دے اللہ تیرے علاوہ مدد کرنے والا کوئی نہیں اور تیرے علاوہ کرم کرنے والا کوئی نہیں اور تیرے علاوہ رحم کرنے والا کوئی نہیں اور اللہ تیرے علاوہ ہماری اوپر نظر ڈالنے والا کوئی نہیں اللہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا اللہ تیرے در پہ آنے والے بن جائے ہمیں تیرے در والا بنا دے اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا دے جڑ گرانے والا بنا دے تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے رونے والا بنا دے ذکر کرنے والا بنا دے نماز پڑھنے والا بنا دے تجھ سے مانگنے والا بنا دے تیرے دروازے کا بھکاری بنا دے اللہ دوسرے کے دروازوں کا محتاج نہ بنا اے الہ العالمین اپنا محتاج بنا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو جنوں میں گرفتاریوں کی الجھنیں دور فرما اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے اللہ ہمارے نفوس کے تزکیے فرما دے اللہ ہمارے دلوں کی صفائیاں فرما دے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو شریعت کے تابع بنا دے اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما دے امت کی ایک ایک فرد کی مغفرت فرما جہاں جہاں ماں و بہنوں نے ہاتھ پھیلائے اللہ ان کی بھی رشتہ کو سن لے اللہ خیر کے حاجت برائی کی ان کی بھی شکلیں پیدا فرما دے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے جو مانگنا تھا رہ گیا ہے اللہ وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دے پورے بچے کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حمید پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مفعل منظور فرما بے رحمتک یا